देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा है 24। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, वर्गीकरण के कोई तीन महत्व बताइए। क्या बताना है आपको? तीन महत्व बताना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, इसके द्वारा किसी समूह विशेष का अध्ययन कर लिया है। ठीक है ना, जीवों का जो समूह होता है उसका अपन ने क्या किया? अध्ययन किया। अध्ययन करने पर उस समूह के सभी जीवों के सामान्य लक्षणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने क्लास में कितने बच्चे हैं उनका अध्ययन किया, तो हमें क्लास में जो बच्चे हैं उनका ज्ञान हो जाएगा। ऐसे हमने क्या कहा, वर्गीकरण द्वारा किसी समूह विशेष का अध्ययन करने पर उसमें उपस्थित जीवों के बारे में हमें क्या हो जाता है? जानकारी हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है, तो विभिन्न समूहों के बीच परस्पर संबंधों का ज्ञान प्राप्त करने में इसका महत्व होता है। अब दो समूह है, एक समूह है जीवों का, एक और दूसरा समूह मिलता है, तो दोनों प्रकार के समूह होते हैं, उन समूहों के बीच परस्पर क्या रिश्ता होता है, क्या संबंध होता है, उस संबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, उस समूह में जीवों के बारे में ज्ञान हो जाता है। दूसरा, उन समूह के बगल में जो भी दूसरा समूह होता है उस समूह के बीच में क्या हो जाता है? परस्पर संबंधों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो समूह आपस में किस प्रकार से रिश्ता लाते हैं, संबंध लाते हैं। नेक्स्ट होता है, इसके द्वारा ही जीव विकास को समझने में सहायता मिलती है। जीवों का विकास किस प्रकार से होता है समझ सकते हैं। समझाया कि नहीं आ रहा? तो कितने पॉइंट होते हैं इसके? तीन पॉइंट। नंबर फर्स्ट, उन समूहों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा, समूह परस्पर किस प्रकार से संबंध बनाते हैं उसके बारे में ज्ञान हो जाता है, और जैव विकास के संबंध में सहायता मिलता है। तीन पॉइंट क्लियर हुए। अब आगे देखिए,